आपको क्या चाहिए? पान लो, पान पूना, कम चूना और कत्था दूना, ये लो। और आपको क्या चाहिए? सिगरेट। लक्ष्मी ये ले। तुम इस मोहल्ले में नए नए आए हो? जी हाँ। इसीलिए कीमत पूछे बगैर केले खा गए? केलों की कीमत कौन नहीं जानता, भूखे भी खा लिए। पहन लो भाई साहब, ये लो दो केलों की कीमत काट लो, बाकी पैसे मुझे दे दो। बाकी किस बात के, 15 और निकालो। 15 रुपए? दो केले क्या 25 रुपए के होते हैं? तो फिर मेरे केले वापस कर दो, वो तो हमने खा लिए, वो कैसे वापस होंगे? अगर खाओ तो दूसरी दुकान से लेकर दे दूं। नहीं नहीं नहीं, मुझे वही केले चाहिए जो तुमने अभी खाए हैं, नहीं तो 15 रुपए निकालो। अरे वाह, क्या लूट मची है। नहीं निकालता, जाओ। पैसा नहीं, पैसा नहीं, अरे तू पैसा नहीं, पैसा निकालो। अबे हाथ से क्या बात करता है, मुंह से बात कर, छोड़ कर बन। अरे तू पैसे निकाल दे। अरे क्या निकालो, छोड़ कर बन। तुम क्या बात, हमने दाम पूछे बगैर दो केले खा लिए, अब दो केलों की कीमत 25 रुपए मांगता है। अच्छा, केला क्या कहा, सोना खा लिया? बादशाह, कसूर तुम्हारा। हाँ उस्ताद, इसने तो मुझसे पूछा तक नहीं। हाँ मालूम है मालूम, पहले इससे दाम ठहराने थे, उसके बाद केले खाने थे, अब तो 25 रुपए देने पड़े। किस अंधेर नकली में आ गए, यहाँ का राजा भी चौपट है, 15 रुपए दे दो भाई। अरे वाह उस्ताद वाह, आपको तो किसी मुल्क का न्याय मंत्री होना चाहिए था। क्या पियेंगे आप? मोमबत्ती मिल जाएगी तो एक नारंगी पी लूंगा। हाँ एक क्या, दो चार। अरे सुनो। हाँ जी। ये बकरा है कि बकरी? बकरी। किसकी है? है तो मेरी, बच्चों का दिल बहलाने के लिए रखी है। दे दीजिए पैसे। ये लो 15 रुपए, हराम की कमाई से महल खड़े कर लेना। ये लो बादशाह, ये बकरी भी साथ लेते जाओ। अरे अरे मेरी बकरी से क्यों देती हो? देखो बादशाह, जो केले इस बादशाह ने खाए उन केलों के छिलके तुम्हारे इस मोहतरमा बकरी ने खा लिए, और उस बेचारे से पूछा तक नहीं। तो क्या इसके बदले में ये मेरी बकरी भी ले जाएगा? नहीं हा? तुम इसके छिलके वापस लौटा दो। छिलके कितने चाहिए? इधर से निकाल लो, इधर से निकाल लो। वाह वाह वाह, अपने को ये छिलके नहीं चाहिए, अपने को तो वो 25 रुपए वाले केले के छिलके चाहिए जो तुम्हारी बकरी के पेट के अंदर है। बकरी के पेट से क्या छिलके वापस आएंगे? नहीं आएंगे तो तुम उसके दाम दे दो, छिलका 25 रुपया होता है, दो छिलकों की कीमत 50 रुपए, 50 रुपए तुम ये बादशाह को दे दो। क्या अजीब लूट मचाई है? अबे चिल्ला मत, अगर सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा तो फैसला इसके हाथ में होगा। अब सीधी तरह से 50 रुपए दे दे, वरना केले के छिलके की तरह ये हैंटर से तेरे भी छिलके निकाल दूंगा, मेरे लाल निकाल दूंगा। ये तो वही वाली बात हुई, चोरों को मोर पड़ गए, पड़ने वाले पड़ गए। अब सीधी तरह से 50 रुपए दे दो, वरना ये देखा हैंटर उल्लाह खां काबली। उस्ताद मैं 25 रुपए वापस देता हूँ, जो केले खाए वो मुफ्त में। ठीक है तो 25 रुपए तुम इनको दे दो और अपनी पीठ पे 25 सेंटर खा लो, हिसाब बराबर हो गया। ना ना बाबा ना, मैं 50 ही वापस कर देता हूँ। ये 25 ईमानदारी के और ये 25 तुम्हारी बेईमानी के। ये करियुग है बाबा, करियुग, कलयुग नहीं। इस हाथ दे उस हाथ ले, अब दोनों हाथ से अपनी बकरी पकड़ ले और ये रही मेरी नारंगी, जाने दे। ये लो बादशाह, 25 और 25, 50। मुझे हराम के पैसे नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से मेरे पैसे वापस कर दो। अरे बादशाह, घर आई लक्ष्मी को नहीं ठुकराते, ले ले। मुझे नहीं चाहिए। ये ले भाई दारू। ठीक है, ये हलाल के 25 तो ले लो, तो ये हराम के 25 किसी और के काम आ रहे। अरे सुनो, ये तुम अपनी बीवी के साथ इस मोहल्ले में क्यों आए? क्या बताऊं, मामा के बुरे दिन आ गए, हमें वो घर छोड़ना पड़ा। समझा, लेकिन अब कहाँ जा रहे हो? जहाँ पांव ले जाएं। तो इसमें निराश क्यों होते हो भाई, इतनी बड़ी दुनिया में क्या तुम्हें कोई सहारा नहीं मिलेगा? चलो मेरे घर चलो। बहुत बहुत शुक्रिया, हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। अरे बोझ की क्या बात करते हो, गरीब से गरीब का वो रिश्ता होता है जो सगे भाई का सगे भाई से नहीं होता। रत्ना की शादी के बाद मैं भी ये समझूंगा कि मुझे मेरी बहन मिल गई। चलो बहन, भाई के घर चलो। चलो ना कन्हैया, सोचते क्या, चलो। अरे चलो ना यार, चलो।